बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज की बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सरकारी मुलाजमीन के लिए एज की जो रिटायरमेंट है वो 60 साल बरकरार रख दी गई। आज का ये बड़ा फैसला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कि वहाँ पे जो रिटायरमेंट एज थी वो 60 से 63 साल कर दी गई और बाकायदा तौर पर सूबाई असम्बली में ये बिल पास किया गया और रूल्स में अमेंडमेंट की गई। उसके बाद सरकारी मुलाजमीन जो थे वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने वो फैसला कालेदम करार दे दिया और 60 साल का फैसला बरकरार रखा। उसके बाद गवर्नमेंट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको कालेदम करार देते हुए 63 साल जो एज रेट था उसको बरकरार रखा और कैबिनेट को, ये हुकूमत को भी ये उन्होंने तंबीह की हदायत जारी की कि आप इसको रिव्यू भी कर सकते हैं। तो दोबारा इसके बारे में एक बड़ी बैठक हुई और बड़ा इसमें एक फैसला आ गया कि तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि दोबारा कैबिनेट में जब ये पेश की गई समरी तो उसमें दोबारा 60 साल एज जो है रिटायरमेंट की उसको बरकरार रखा गया और उन्होंने नोटिफिकेशन भी बकायदा इसका निकाला तो उसके अंदर जो हाई कोर्ट का फैसला था उसकी रूलिंग के तहत तमाम सरकारी मुलाजमीन अब 60 साल पर भी रिटायरमेंट होंगे और उन्होंने दोबारा इस बारे में अमेंडमेंट भी कर दी कि दोबारा जो एज रेट है वो 60 साल होगा। इस तरीके से ये पूरा पूरे पाकिस्तान में एक वाहद सूबा था जहाँ 60 से 63 साल की एज ऑफ रिटायरमेंट की गई थी। तो इस लिहाज से एक बड़ी खुशखबरी है कि अब तमाम पाकिस्तान में एक यकसा लेवल की जो कानून है वो नाफस हो गया है और सरकारी मुलाजमीन की जो रिटायरमेंट एज है वो 60 साल बरकरार रख दी गई है और वहाँ पर इसका बाकायदा नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज की ये बड़ी अपडेट थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।